रुद्रप्रयाग में शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किसी गरीब असहाय एवं बेसहारा व्यक्तियों को शीतलहर से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी एवं असुविधा ना हो इसके लिए सोमवार देर रात्रि को बस अड्डे स्थित रैन बसेरा का औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि जनपद में शीतलहर की दस्तगत किसी भी गरीब असहाय एवं बेसहारा व्यक्ति को शीतलहर से कोई परेशानी ना हो। अपने खाने पीने का, अपने रहन सहन का पूरा ध्यान रखें शीतलहर के हिसाब से। स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं सरकारी स्कूलों की, तो उसका बारे में भी ध्यान रहते हैं। जहाँ जहाँ बर्फ़ की व्यवस्था होती है वहाँ पर मशीन्स का डिप्लॉयमेंट, लेबर का डिप्लॉयमेंट आदि हम लोग ने कर लिया है, और ताकि हमारे मार्ग कहीं भी बंद ना हो। केदारनाथ धाम में स्पेशल हमारी सर्कमस्टेंस है, वहाँ पर अभी भी मजदूर हमारे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी क्वालिटी के स्लीपिंग बैग्स, खाने पीने के अच्छे ड्राई फ्रूट्स आदि, और कंबल, ग्लव्स, जूते आदि हमने NGOs के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पहुंचाए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। कुल मिला के नज़र बनाए हुए हैं हम लोग डेली, उस पर हम लोग SDM से, तहसीलदारों से रिपोर्ट लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हमें पता चले जो कि बाहर जिसको रात दिखाए।